हमारे ये जो तमाम इंजीनियर्स हैं इनकी एक ड्रीम टीम है एंड विशिंग गुड लक टू ऑल ऑफ देम। आइए एक बार फिर से लौट चलते हैं महामुकाबला और उसकी महाकॉमेंट्री, अजय गरत और सिद्दीक भावे A1 जोड़ी। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या। बैक टू क्रिकेट नाउ इज गोइंग टू बी फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर जिलानी ब्रॉट इन टू द अटैक। चिलानी फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर फेसिंग इम बैट्समैन अक्षय, नॉन स्ट्राइक इज योगेश। चिलानी लॉन्ग रन अप टू द विकेट नाउ फेसिंग इम बैट्समैन अक्षय, चार्जिंग फ्रॉम आशा पटेल नॉर्थ ईस्ट एंड। ये देखो बस तो अक्षय कॉपी बुक स्टाइल पुश and they threw for a risky single but confident looking push Ajay, I think and off the mark ji bilkul ek acha stroke gend ko aane diya zyada jaldbazi nahi ki pehli gend par और अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए अक्षय पाटिल ने अपना खाता खोला है। बट्टी स्पोर्ट्स काफ़ी समय के बाद हमें सिटी क्रिकेट में एक्शन में नज़र आ रही है और उसका सारा श्रेय देना होगा मेयर कप 2021 को। चिलानी Now facing him Yogesh. This time beauty. There is a loud shot for caught behind, but umpire unmoved. Beauty from Jilani just past the bat. Wicket keeper Ramiz half a date appeal. ये देखिए थोड़ा सा साइड आर्म बॉलिंग एक्शन है, टिपिकल जिलानी गेंद थी जो टप्पा पड़ने के बाद दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव हुई थी। आउट स्विंग गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद और छेड़खानी करने का प्रयास किया था योगेश कोहली ने, मैन फ्रॉम सौदरपाड़ा। जिलानी फेसिंग हिम योगेश कोहली, हियर वी गो बॉल टू योगेश, टॉप एज कुड बी कॉट, मैन अंडर इट, यस ही इज आउट। Jilani delighted there and first wicket has fallen now. Yogesh Kohli on his way for duck. हालांकि तकनीकी दृष्टि से काफी सक्षम बल्लेबाज माने जाते हैं, ग्रामीण क्रिकेट में मैंने काफी बार उनको खेलते हुए देखा है, लेकिन ये सिटी क्रिकेट है, यहाँ पर अलग परीक्षा होती है। बहुत अच्छा कैच शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, ये देखिए थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद बैक ऑफ लेन थी और उस उछाल को वो समझ नहीं पाए जो गेंद में था, टॉपेज लगा और राहिल ने कोई गलती नहीं की। यस राहिल शेख टेकन अ वेरी गुड कैच एंड फाइनली जिलानी द विकेट टेकर बॉलर क्लेम द विकेट फॉर हिज साइड, क्लेम द ब्रेक थ्रू एंड फर्स्ट विकेट हैज फॉलन नाउ बंटी स्पोर्ट 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आशीर भी वहां पर मैच का मजा लेते हुए, अशफाक पनवेलकर भी पायनियर स्पोर्ट्स को हमेशा सपोर्ट करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट मैच वी टर्न टू ग्रामीण, व्हाट अ मैच बिटवीन अग्री राजा माहुल एंड विलास स्पोर्ट्स रानाल, इंजीनियर रवीश ध्रुव विद लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर एंड हियर वी वॉच जिलानी फेसिंग हिम। दिस इज द 5-5 लिमिटेड ओवर मैच फॉर ईच इनिंग। जिलानी टर्न ball this time played very awkwardly, there is a extra bounce from Vishal and he gets one, no signal from umpire of the bat, so Vishal off the mark with Akshay moves up to 2 and his score is 2 for the loss of 1 wicket. Very awkwardly played by Akshay, tentative stroke, back foot par jaakar disha dikhana chahte the और ये कहा जा सकता है कि बैकफुट पर ढकेला गया है बल्लेबाज को जिलानी द्वारा, जो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे रिदम में नजर आते हुए बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी थी। ऑफसाइड में खेलना चाहते थे लेकिन ऑफसाइड में खेल नहीं पाए थे बैट्समैन अक्षय पाटिल, जो ग्रामीण क्रिकेट में वड़पे टीम के लिए खेलते हैं। ग्रामीण के ज़्यादातर खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं बंटी स्पोर्ट्स में, नए बैट्समैन विशाल डाकी, एक और सौदरपाड़ा के खिलाड़ी। Vishal Patil facing Jilani, fast and furious bowler, long run up to wicket now, right arm round his stumps.
ball this time. Loose bottom and push. They go for one, looking for a second. Fike is there. Enough time. Batsmen change their mind and settle for one. 1-2 total now. Runs coming in form of singles. 3 for the loss of 1 wicket. You are watching in Bhiwandi Open City Cricket match between Pioneer and Bunty Sport Borivali. ये सारे इंजीनियर्स को दिखाया गया था. चिल्लानी दिस टाइम पुट अवे वेरी नाइसली इन फ्रंट ऑफ हिज लेग्स. मीट जजिंग एंड बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री फॉर 4. हम्माद अंसारी इज देयर मीट जजिंग एंड राइट ऑफ हिम बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री फॉर 4. गलत डायरेक्शन में चले गए थे वहां पर फील्डर. बहुत आगे निकल गए और गेंद देखिए थोड़ी सी टर्न हुई थी आउटफील्ड में. गेंद ने चकमा दिया और इस मैच का पहला चौका. डेट मार्क्स एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर. आई थिंक गुड टोटल मेड 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक ओवर की समाप्ति 7 रन 1 विकेट. अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. मैं तो समझता हूँ कि आज का रात का सबसे बड़ा मुकाबला अगड़ी राजा माहौल गांव और रानाल स्पोर्ट्स. और उसके बाद भी एक और बड़ा मुकाबला है जो आज रात का अच्छा आखिरी मैच होगा अंशिका स्पोर्ट्स और नंदकिशोर खारबाव के बीच में. अंशिका स्पोर्ट वडगढ़ ये पायनियर स्क्वाड को दिखाया जा रहा है आज जो खिलाड़ी इस मैच में हिस्सा ले रहे हैं. रमीज रईस टीम में वापस आ गए. विकेट कीपिंग कर रहे हैं. गेंदबाजी के लिए राइल शेख को लगाया गया है. इस मरतबा उछाल दिया. फील्डर है वहां पर लेकिन कैच छूटा. एक रन बना. उमर खान थे डीप में. कोशिश जरूर बढ़िया की थी. हालांकि कहीं ना कहीं उमर खान जैसे फील्डर से ये उम्मीद की जाती है कि वो मुश्किल से मुश्किल कैच भी लपके बल्ले की थोड़ी अंदर लगी थी. गैप में खेलने का प्रयास था लेकिन फील्डर का एफर्ट बहुत अच्छा था. गेंद तक पहुंच भी गए थे और जब गेंद हाथ में आपकी गिर जाती है तो कई क्रिकेट के पंडित और महान खिलाड़ी भी कहते हैं कि ये कैच ही है उसको पकड़ना चाहिए. 8 पे पहुंचा स्कोर. राहिल शेख बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव. लॉन्ग ऑन पे कप्तान मौजूद थे. एक रन बनता हुआ. माजिद बोबरे थे लॉन्ग ऑन पे. एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 9 पे पहुंचा है. 2 पे खेल रहे हैं विशाल और अक्षय ने बना रखे एक चौके की मदद से 7 रन. अल्ताफ बाली जी अशफाक पनवेलकर अशीर अंसारी. इस मरतबा पुल की हवा में उमर खान मौजूद. इस मरतबा कोई गलती नहीं की और विशाल जो लगातार उमर को टारगेट कर रहे थे कैच होकर वापस जाते हुए. ये देखिए बल्ले की स्वीट स्पॉट पर नहीं लगी थी गेंद जिस वजह से वो पर्याप्त एलिवेशन मिला नहीं और आसान सा कैच. इस बार कोई गलती नहीं की वहां पर फील्डर ने. 9 रन 2 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती भी पायनियर के सामने. आज का जो आखिरी मैच होने वाला है हंसिका स्पोर्ट्स वडगर और नंदकिशोर खारबाव के बीच में. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत प्रियांशी स्टूडियो में आकर विश्वास मात्रे से मिलना है. खबर ये आ रही है कि पड़गा में थोड़ी सी बारिश भी हुई है. यस फाद दलवी भी वहां पे मौजूद हैं वीआईपी डाइस पे. नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं विजय. सामना कर रहे हैं अक्षय. फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मैन फाइन लेग बहुत सीधा करा है. एक्स्ट्रा कवर पे हम्माद हैं 30 गज के दायरे पे. इस मरतबा उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर. क्या गेंद मैदान के बाहर. यस 6 रन. क्या शॉट खेला अक्षय ने. बहुत ही खूबसूरत और करारा लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव अक्षय पाटिल के बल्ले से. फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से हटा दिया था और सीधे बैट से ऊंचा उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से. बहुत ही खूबसूरत छक्का. ये सीधे साधे अक्षय नहीं लग रहे हैं. जिस तरह से आक्रमण खोला है उन्होंने. शॉट की फिनिशिंग को देखिए.
बल्ला कंधे के पीछे जाता हुआ और गेंद बाउंड्री के पीछे छुपती हुई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे पहुंचा है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से एक विशेष सूचना है सभी दर्शकों के लिए भी और कमेटी मेंबर्स के लिए भी कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। राय शेख अक्षय के लिए अच्छी वापसी लेकिन बहुत खूबसूरत ड्राइव, थोड़ा दूर से जरूर खिला था लेकिन मैनेज किया था बहुत अच्छे से डीप कवर में उमर खान के पास। एक रन स्कोर में आता हुआ 16 पे पहुंचा स्कोर। नए बैट्समैन विजय पारदी कल यहाँ पर खेले थे ग्रामीण क्रिकेट से जाम्बुलपाड़ा टीम की ओर से और उस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, अपनी टीम की ओर से जुझारू प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। माजिद के गेंद कट करने की कोशिश बीट किया ऑफिस टाइम के बाद, टिप्पा खाने के बाद गेंद ने और रफ्तार पकड़ी थी। हालांकि थोड़े से महंगे साबित हुए देखा जाए तो राहिल शेख, क्योंकि एक बड़ा शॉट लगा ओवर में 9 रन खर्च किए लेकिन एक सफलता भी प्राप्त की। दो ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही बंटी स्पोर्ट्स। देखिए 5 ओवर का मुकाबला है, ये आप फिर से देख सकते हैं अल्ताफ बाली जी को साथ में फहद दलवी, आशीर अंसारी, अशफाक पनमेलकर, हंसी का स्पोर्ट वड़गर और नंद किशोर खारमाओ, ये खिलाड़ियों को हमारे ये दोनों टीम के जो कैप्टन है उनको हमारे प्रियंश स्टूडियो में विश्वास मात्रे से आके तुरंत ही मिलना है। हंसिका स्पोर्ट वड़गर के कैप्टन और नंद किशोर खरबाओ के कैप्टन। यस त्वरित यायचा है हंसिका स्पोर्ट्स वड़गर संघाचा संघनायक आणि नंद किशोर खारबाव संघाचा संघनायक। आपण प्रियांशु स्टुडिओ मध्ये यायचं आहे आणि विश्वास मात्रे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। उसामा डॉडी को लगा दिया गया है, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। अगर इस सीजन के पहले तीनों सीजन की हम बात करें, 3 सीजन तक एक ही मकाम पे इन्होंने अपने आप को रखा था और भिवंडी में बॉलर ऑफ द ईयर का लगातार 3 साल इनाम जीता, उससे साबित होता है कि आपको मुस्तकिल तौर पे अगर अपने आप को साबित करना है तो उस तरह विकेट भी लेना होगा, उस तरह गेंदबाजी भी करना होगा। माना कि इस सीजन में बहुत उलट फेर हो रहे हैं, कहीं बड़े नाम है जो उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे, उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे। उसामा डॉडी, ये देखिए अंपायर्स विजय वाघमारे और विजय पाटिल, इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा झुक कर शॉट को खेला है कारपेट के जरिए आउटफील्ड में डीप वाइड मिड ऑन पर। एक रन से बंटी स्पोर्ट गोरियोले का स्कोर 17 पे पहुंचा है। अगली दो टीमों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है, अगड़ी राजा माहौल गांव ग्रामीण से और विलास स्पोर्ट्स रानाल। उसामा डॉडी, ओ तेज तर्रार गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विजय पारदी के। उसामा की यदि हम बात करें सिद्दीक जी, तो नई गेंद से ज्यादातर उन्होंने गेंदबाजी की है पायनियर स्पोर्ट्स के लिए और नई गेंद के साथ हमेशा उन्होंने विकेट्स चटकाए हैं, लेकिन इस सीजन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है गेंदबाजी में। राहिल शेख के आने के बाद हम देख रहे हैं कि कभी जिलानी पहला ओवर करते हैं, कभी राहिल भी करते हैं, कभी उसामा करते हैं। उसामा राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा आसमान में तान दिया है गेंद को, क्या गेंद मैदान के बाहर, यस हाई एंड हैंडसम पिक पिक वन 6 रन। लाजवाब शॉट विजय पारदी के बल्ले से, ताकतवर खिलाड़ी है और ये ताकतवर शॉट घुटना टेक और सिक्सर देख। देखिए लंबे कद के भी हैं और बहुत जल्दी स्ट्रोक के लिए जाते हैं, क्या शॉट खेला है ये देखिए, गगन बेदी शॉट, फलक बोस स्ट्रोक जिसे कहते हैं। शुरुआत से ही अच्छी चुनौतियां पेश कर रही है बंटी स्पोर्ट्स इस मैच में पायनियर स्पोर्ट्स के सामने, स्कोर इस समय 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय पाटिल बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, 15 रनों का योगदान अभी तक दे चुके हैं जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है और अब विजय ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। 23 पे पहुंचा है स्कोर बंटी स्पोर्ट्स का, तीसरा ओवर चल रहा है,
पांच पांच ओवर का ये मुकाबला है। उसामा लंबे रनअप से मुड़ते हुए विजय पारदी के लिए स्विच हिट की कोशिश बीट किया वहां पर। अजी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि माना स्विच हिट स्लो मीडियम गेंदबाजों के सामने या स्पिन गेंदबाजों के सामने काफी इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन क्या ये शॉट्स तेज गेंदबाजों के सामने भी इफेक्टिव रहते हैं? जी बिल्कुल इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके रिफ्लेक्सेस उतने तेज होने चाहिए, गेंद पर बहुत अच्छी निगाह आपकी होनी चाहिए, बहुत जल्दी पोजीशन करना पड़ता है अपने आप को। इस मरतब आप फिर से खूबसूरत गेंद वाइड, हालांकि लेंथ बहुत अच्छी थी, लेकिन रमीज रईस बहुत एक्साइटेड विकेट कीपर है, बहुत शातिर खिलाड़ी है, गेम्समैनशिप उनकी देखने को मिली, वाइड बचाने का प्रयास किया था, अंपायर का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन अंपायर काफ़ी प्रोफेशनल अंपायर इस टूर्नामेंट में, विजय वाघमारे और विजय पाटिल इस मैच के दो ऑनफील्ड अंपायर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद बोल्ड कर दिया, पेस में बीट हो गए वहां पर विजय पाटिल। आज कहीं ना कहीं मेयर कप पर बारिश के भी साये मंडराते हुए पड़गा में बारिश शुरू हो गई है, और पड़गा के ग्रामीण के स्टार्स इस समय बंटी स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं मेयर कप में। देखिए बहुत तेज हवाएं चल रही है और इसी बीच ये विकेट गिरा है, आइए देखते हैं एक बार फिर से, ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले गए, फुल टॉस गेंद थी, मौका अच्छा था लेकिन रफ्तार में चकमा खा बैठे और बैट्समैन आउट विजय पारदी। फरवरी महीने में अगर बारिश होगी तो फिर जून में क्या रहेगा, बूंदा बांदी हो रही है और ये बूंदा बांदी पड़गा और उसके परिसर में जरूर हो रही है, यही कारण है कि ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है। सुबह से ही जो हेजी क्लाइमेट था, यस ये आप देख सकते हैं इस वक्त तेज हवा के झोंके चैलेंज मैदान को छूते हुए, जिसके साथ छोटी छोटी पत्तियां भी आ रही है, इसका मतलब है कि बाहर काफी तेज हवाएं बह रही है, ये आप देख सकते हैं झंडे बहुत तेज लहरा रहे हैं। एक छोटा सा ये स्टॉर्म कहा जा सकता है, शारजा में जो आया था वो बहुत बड़ा स्टॉर्म था, उसके बाद तेंदुलकर का तूफान हमने देखा था। हालांकि भिवंडी के इतिहास में एक बार जरूर हुआ है कि 15 फरवरी को जब एमएलए कप हुआ था उस वक्त बारिश हुई थी और रात में स्नो फॉग था। नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं नीलेश जाधव, ये कमाल के खिलाड़ी है, मैन फ्रॉम चौधरपाड़ा, इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से डीप कवर में, एक रन बनता हुआ, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 25 रन। अगर हम पिछले साल से देखें, क्योंकि आप मेरे साथ 17 मार्च को आखिरी कप में थे बालाजी, क्रिकेट के पीछे भी बहुत सारे साये लग गए, अल्ताफ बाली जी, फाद दलवी मास्क पहने हुए, हशीर, ये तमाम इंजीनियर्स हैं जिनके साथ लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर, सचिन नाईक, हरेश मात्रे, विनोद भुईर, विनोद मात्रे और विनोद मते और फने तामीर की आला निशानियों के खालिक इंजीनियर रविश ध्रुव, लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासार। ओवर समाप्त हो चुके 3, 25 रन बने, 3 विकेट, तेज हवाएं बह रही है मैदान के ऊपर और गेंदबाजी में लगाया गया गेंदबाज राहिल शेख को, दूर से खेलने का प्रयास, मोटा सिरा, शॉर्ट थर्ड मैन पर अच्छी फील्डिंग, लेकिन निशाना सटीक नहीं है, निशाना चूक गया और बाल बाल बच गए अक्षय पाटिल, बहुत बड़ा विकेट मिल सकता था, अक्षय बहुत अच्छे टच में है और उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। शॉर्ट थर्ड मैन पे अजहर अंसारी थे, गेंद पहले बाउंस पर उनके पास ट्रेवल कर गई थी, कहीं ना कहीं हवा के विरुद्ध गेंदबाजी करनी पड़ रही है इस समय गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को इसका लाभ मिल सकता है, एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में, वाइड स्टिप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और मुझे लगता है कि बची हुई जो 16 गेंदे हैं
उसमें और 25 रन यदि बैट्समैन जोड़ पाते हैं तो 50 प्लस टोटल हो सकता है। आसान फिर नहीं होगा कहीं ना कहीं चेस करना, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है अंडर फ्लड लाइट्स पायनियर के बल्लेबाजों के लिए भी। आपने सही एनालिसिस किया, पूरब से पश्चिम की तरफ जो हवाएं बह रही है वो दाएं आपके बैट्समैन के लिए। बल्कि 10 ही गेंदें बची है, अब एक और गेंद कम होती हुई क्योंकि ये मैच 5-5 ओवर का है। एक और सिंगल, जी हाँ, आज से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की COVID-19 की गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो कर रहे हैं। दर्शकों से एक बार फिर से निवेदन है कि मास्क का इस्तेमाल करें और हमें सहयोग करें। इस बार बहुत ही शानदार शॉट हवा के साथ घटा के संग संग 6 रन। What a great stroke, big one, look like the stroke of Jeetu Gowli. Straight stroke indeed, look at that, high in the air, power back shot. What a magnificent stroke indeed, tremendous power into the crowds as well. Superb stroke from Akshay. देखिए जैसे ही मौसम बदला है तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि गेंदबाजों को अपनी लेंथ भी बदलनी पड़ेगी। अब गेंदबाजी आगे करना थोड़ा सा खतरे से भरा हुआ है, आगे गेंद करेंगे तो सामने हवा के साथ शॉट्स खेले जा सकते हैं। थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो। सो वी वेलकम मिस्टर मुश्ताक अजवानी द क्रिकेटर फ्रॉम पायनियर स्पोर्ट्स एंड मिस्टर दानिश मद्दू एट चैलेंज स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश मद्दू साहब और मुश्ताक अजवानी साहब। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। धन्यवाद हरीश पंड्या, वाइट गेंद का इशारा। दर्शकों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस का इसी तरह से पालन करें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। यस, हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं बल्कि आधे दर्शक ने तो जरूर मास्क पहना है, सभी को पहनना है प्लीज। फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे, एक और वाइट गेंद, बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश हो रही है। राहिल शेख महंगे साबित होते हुए, पहले ओवर में 9 रन देकर एक विकेट चटकाया था, इस ओवर में 4 गेंदें की है, इस ओवर में भी एक बड़ा शॉट लगा है, अभी तक 11 रन खर्च किए हैं उन्होंने अपने दूसरे ओवर में। दर्शकों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो रुमाल का इस्तेमाल करें। राहिल एक बार फिर से, इस बार मोटा सिरा लगा है शॉर्ट थर्ड मैन पर, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि फील्डर फिसल रहे हैं, गेंद पीछे भी जा सकती थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अजर की। बहुत तेज हवाएं बह रही है और इसका कारण है कि परगा और उसके परिसर में जो न्यूज मिल रही है सिर्फ बूंदाबांदी नहीं बल्कि बहुत तेज बारिश हो रही है। 2020 में काफी कुछ घटा, 2021 में लगा कि काफी कुछ बदलेगा। इस बार बहुत ही शानदार लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। ओहो, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, आखिरकार रोकने में कामयाब। क्या जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है, एक क्लास शॉट खेला नीलेश जाधव ने और 2 रन पूरे किए। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। देखिए अजय करत मेयर कप नहीं बल्कि नगर अध्यक्ष कप एक ऐसा जरूर हुआ है जिसमें बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हुआ था, लेट हुआ था, लेकिन आपको तो याद है कि वो मैच याद होगा प्रतिभा विलास का जिसमें बी इंडियन शाम के वक्त ट्रिपल एस से हारी थी और उस दिन काफी बारिश हुई थी। अभी भी एक ओवर का खेल बचा हुआ है, प्रेजेंटेशन बॉक्स में कई इंजीनियर्स इस समय मौजूद है, दर्शक भी काफी यहाँ पर मौजूद। सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे। अच्छा स्कोर है, बंटी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, अक्षय की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। 2 छक्के लगाए हैं, 1 चौका, 23 पर बैटिंग करते हुए नीलेश जाधव भी अच्छे टच में नजर आते हुए 5 पर इस समय खेलते हुए 4 गेंदों का सामना किया है। 4 ओवर के बाद 39 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। इनको हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि इन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया है। छह गेंदों में जरूर 10-12 रन और जोड़ना चाहेंगे और अक्षय यदि ये 6 गेंदे खेलते हैं तो कुछ और ज्यादा रन्स भी वो जोड़ सकते हैं क्योंकि अच्छे टच में है।
आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फाइक अंसारी के कंधों पर। बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है फाइक अंसारी। खूबसूरत गेंद और उतनी ही बढ़िया विकेट कीपिंग। बिल्कुल, तेज गेंदबाज के सामने इतना क्लोज विकेट कीपिंग करना, क्योंकि रमीज रईस बहुत जबरदस्त विकेट कीपर है और रमीज रईस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा मेयर कप 2013 का वो मुकाबला बी इंडियन बनाम पाइनियर, रमीज रईस ने दानिश काजी को सिक्सर जब लगाया था तो पाइनियर मैच में थी। ये जाएगी बाहर, लाजवाब शॉट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। क्या शॉट खेल रहे हैं, मूड को बना दिया अक्षय ने जीतू गवली की उस बारी की याद ताजा की है जो उन्होंने एमएससी नायगांव के एमसीसी निजामपुरा के सामने खेली थी, इसी तरह स्टैंड में शॉट खेले थे और अक्षय ने वाकई में क्या शॉट है। डाउन द ग्राउंड खेलना बहुत मुश्किल काम है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे, पत्रा तोड़ सिक्सर, गेंद पत्रे पे जाके लगी है। देखिए अभी भी जो हवा बह रही है उसका मैं समझता हूँ कि खेल पर असर पड़ रहा है, गेंदबाजों के लिए उतना आसान काम नहीं है, बल्लेबाजी के लिए थोड़ी कंडीशंस आसान हो गई है। इस बार बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, बढ़िया फील्डिंग और सही एंड पर थ्रो भी किया है, केवल 1 रन। 30 रन बना के खेल रहे हैं, 3 सिक्सर लगा चुके हैं 13 गेंदों में अक्षय। बहुत ही खूबसूरत पारी अक्षय पाटिल की और पहली गेंद पर जिस तरह से उन्होंने पुश किया था ऑफसाइड में वहीं से उनका कॉन्फिडेंस झलकना शुरू हुआ था। स्कोर 46, 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 3 गेंदें पारी में शेष। फाइक अंसारी तेज किया है इस बार, बढ़िया कोशिश वहां पर रमीज की, हालांकि सफाई से रोक तो नहीं पाए थे लेकिन वाइट गेंद है, 2 रन इस गेंद पर जो कि वाइट के रूप में आए हैं तोहफे के रूप में। मेरा अपना मानना है 3 रन उन्होंने बचाए हैं, देखिए अगर गेंद निकल जाती उनके पीछे तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता। बैकआउट पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक शॉट थर्डमैन, थोड़ा फाइन रखा गया है शॉट थर्डमैन को और एक शॉट फाइन ले गए, बाकी के 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। फाइक अंसारी एक बार फिर से फुल टॉस, इस बार थोड़ा सा मिस हिट है, ये कैच हो सकता है। ओहो बहुत ही बेहतरीन कैच, माजिद बोबड़े ने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक शानदार कैच। बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद एक अच्छे कैच जो कि टीम के कैप्टन है माजिद बोबड़े ने, देखिए संतुलन कितना अच्छा रखा था, पहले उन्होंने देखा कि वो कहाँ खड़े हैं और कैच लेने के बाद देखा वो कहाँ है, बहुत बढ़िया कैच माजिद बोबड़े का। अक्षय आउट हुए, 30 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 214 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगाए और 1 चौका, एक बहुत ही शानदार पारी खेली सलामी बल्लेबाज अक्षय पाटिल ने। फुल टॉस गेंद थी, वो टाइम नहीं कर पाए ठीक तरह से और केवल टाइमिंग के बलबूते पर वो छक्का लगाना चाहते थे, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर पाए थे। गिरामीन का आज का सबसे बड़ा मुकाबला अग्री राजा माहौल गांव के कैप्टन और विलास स्पोर्ट्स रानाल के कैप्टन, दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। नीलेश के पास स्ट्राइक, गेंद हवा में है, विकेट कीपर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे दूर है गेंद, शॉट फाइन लेके खिलाड़ी गेंद पर आए हैं, केवल 1 रन लेने का अवसर वहां पर नीलेश जाधव के पास। नए बैट्समैन आए हैं अजित पाड़ेकर, मैन फ्रॉम चिंचोली और अच्छे बल्लेबाज है। आपको याद होगा आमदार ट्रॉफी में एक बार 240 प्लस की पारियां एक ही टूर्नामेंट में उन्होंने खेली थी सिटी क्रिकेट में। गार्ड लेते हुए अंपायर से, मैदान के बाहर बवंडर चल रहा है, चारों तरफ से अब हवाएं मैदान में आती भी। आखिरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है ये, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बंटी स्पोर्ट्स के एक अच्छा टोटल उन्होंने खड़ा किया है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की, 5 ओवर में 50 रन जरूर चुनौतीपूर्ण स्कोर है। गति में परिवर्तन किया गया था अंतिम गेंद पर, विकेट कीपर के लिए भी काफी मुश्किल काम था।
तो 51 रनों की चुनौती, ये मुकाबला जीतने के लिए 5 ओवर्स में पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। आइए हम आपको अगले टॉस की तरफ लिए चलते हैं। पायनियर को 51 का लक्ष्य दिया है। खेलने वाली टीमें ग्रामीण का सबसे बड़ा मुकाबला अग्री राजा माहौल गांव और विलास स्पोर्ट रानाल। हरीश पंड्या वहां मौजूद है टॉस के लिए। इज ओवर टू वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो, सिद्दीक बाबे, अजय गरत, यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। आइए दोस्तों, अब एक सत्कार समारंभ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच बाली ट्रॉफी के जनक और पायनियर स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता और भिवंडी के काफी पॉपुलर ऐसे अल्ताफ बाली, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर इस सत्कार के लिए तो मैं अजय पाटिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपको एक सत्कार करना है। अल्ताफ बाली का बहुत जबरदस्त शख्सियत है, हमेशा डाउन टू अर्थ लो प्रोफाइल रहते हैं। और बाली ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हुआ है, आप लोग जानते होंगे, तो चैलेंज स्पोर्ट्स और विलासार और हमारी महापौर की ओर से अल्ताफ बाली को शुभकामनाएं हैं बाली ट्रॉफी के लिए। ABCDE अल्ताफ बाली कैन डू एवरीथिंग। अल्ताफ, आपके सत्कार करते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स को भी बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। मैं अजय पाटिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अल्ताफ बाली जी का सत्कार करें। हमारी खुशकिस्मती है अल्ताफ, आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं। अभिनंदन। और अशफाक पनवेलकर साहब आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विश्वास भोई से प्रार्थना करूंगा कि आपको अशफाक पनवेलकर साहब का सत्कार करना है। अपने जमाने के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर, आपका सत्कार करते हुए हमें भी खुशी हो रही है। अल्ताफ बाली, अशफाक पनवेलकर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ में फाद दलवी साहब भी दिख रहे हैं, उनका भी हम यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अशीर अंसारी, वेलकम टू यू एज वेल, थैंक यू। सो प्रियांशी स्टूडियो, टॉस के लिए थोड़ा समय है, वी कैन स्टार्ट द मैच। शुक्रिया हरीश जी पंड्या। महापौर चषक 2021 में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। ये बहुत ही खूबसूरत नजारा ओपनिंग सेरेमनी में जबरदस्त आतिशबाजियां देखने को मिली। दानिश मद्दू को दिखाया जा रहा था। दानिश मद्दू, कल जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था जब विलासार खेल रहे थे कि दानिश मद्दू, फरुख मुन्ना, विलासार, संजय टावरे, हसीब मुल्ला, ये वो बैट्समैन थे जो ऑफ साइड में स्क्वायर कट बहुत अच्छा खेलते थे। दानिश मद्दू, एक्स पायनियर कैप्टन। देखिए, हर बल्लेबाज का एक ट्रेडमार्क शॉट होता है, एक मनपसंदीदा स्ट्रोक होता है। वैसे हर क्रिकेट प्रेमी का भी कहीं ना कहीं एक मनपसंदीदा स्ट्रोक होता है और उसके फेवरेट खिलाड़ी उसको खेलते हैं तो फिर उसको बहुत खुशी होती है। मेरे फेवरेट खिलाड़ी तो वीरेंद्र सहवाग है। वो जब स्क्वेयर कट लगाते थे, अपर कट खेलते थे या फिर इनसाइड आउट स्पिनर के विरुद्ध खेलते थे तो वो देखने में ज़बरदस्त आनंद आता था। आपके फेवरेट खिलाड़ी और आपका फेवरेट स्ट्रोक? स्क्वायर कट एंड पुल। क्या बात है, लेकिन आपने खिलाड़ी नहीं बताया।
इस ग्राउंड पे मुझे भी शय हासिल है चार गेंदों में चार चौके लगाने का। फेवरेट खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आदमी माइक्रोफोन पकड़ता है तो किसी एक का नाम नहीं लेता। बहरहाल लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जहां पर 51 का लक्ष्य रखा है। इंटरनेशनल क्रिकेट की आज अगर आप बात करते तो मेरे फेवरेट खिलाड़ी रिकी पॉइंटिंग। जी हाँ, पुल और हुक, रिकी पॉइंटिंग से बेहतर शायद ही कोई खेल पाता था। खेल की शुरुआत होती भी निलेश जादव ब्रॉट इनटू द अटैक। फर्स्ट बॉल बोस्टू शाहिद खान, ट्रेवन वेरी नाइसली इन वैकेंट एरिया, कपल ऑफ बाउंसेस, क्रॉस द एक्स्ट्रा कवर फेंस फॉर फोर। ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम शाहिद, कमाल की शुरुआत करते हुए शाहिद खान। ये देखिए, बड़ी हाफ वाली थी, हल्का सा अपने आपको रूम दिया और ये बहुत ही खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। क्रैक्स इट ऑफ हिज फ्रंट फुट, लॉफ्टेड ड्राइव ओवर द इनफील्ड, कपल ऑफ बाउंसेस, क्रॉस द एक्स्ट्रा कवर फेंस फॉर फोर। शाहिद खान ऑफ द मार्क विद फोर एंड पॉइनियर फोर विदाउट लॉस, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 51। द आस्किंग रन रेट इज 10.20। शाहिद खान एंड उमर खान, दीज टू आर दी ओपनर्स, इज गोइंग टू बी निलेश जादव। बोस्टु शाही स्विच इट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट थ्रू द स्क्वायर स्टार मैन फॉर फोर। बैक टू बाउंड्रीज फ्रॉम शाहिद, बहुत अच्छी सोच शाहिद खान की, पहले ही फील्ड प्लेसमेंट को देख लिया था और उसके अनुसार उन्होंने ये स्विच इट लगाया है खाली क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर डीप में कोई भी फील्डर नहीं था, जो खिलाड़ी थे वो सर्कल के अंदर थे, शॉर्ट थर्ड मैन था, बैकवर्ड पॉइंट था, गैप था बड़ा, लेकिन गैप ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इनफील्ड के ऊपर से खेला था उन्होंने। बहुत ही खूबसूरत चौका, पॉजिटिव एंड फ्लाइंग रिप्लाई फ्रॉम अ पायनियर एंड स्पेशली शाहिद खान। टू बाउंड्री सो फार ही इज ऑन 8, पायनियर 8 विदाउट लॉस। अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक प्लेड बाय शाहिद खान बिकॉज the third man inside the ring, point inside the ring. Nilesh Jadhav, now Yogesh doing the adjustment in the field now. Captain Yatish Shelar and Yogesh doing the senior campaigner adjustment in field. The square leg finally inside the ring, third man inside the ring and point inside the ring. Nilesh Jadhav, deep square leg, mid wicket and long on. Goes to Shahid, goes his back foot, beautifully played. Square cutting through the cover point boundary for four. This is the delightful batting from Shahid Khan. Clever batting. Superb piece of batting indeed. Look at that, played very late. He waited for the ball to come and then cut that one backward of the point for four. Third consecutive boundary for Shahid Khan. Third boundary, and Shahid Khan is the second batsman who hits a boundary hat-trick in Mayor Cup 2021. This is the flying reply from Pioneer Sport, 12 without loss. तीसरा चौका लगने के बाद मयूर पाटिल ने कुछ बातचीत की है निलेश जादव से। मयूर पाटिल को भी हम गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, मुझे लगता है इस मैच में बहुत अच्छे बॉलर है, विकी स्पोर्ट्स कुक्स की टीम के लिए ग्रामीण में खेलते हैं और पिछले 2-3 सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। निलेश जादव, बोस्टू शाहिद, वंस मोर डेलिकेट लेट कट, बट देयर इज द फील्डर एट डीप बैकवर्ड पॉइंट, इनफ टाइम, शाहिद खान गेट्स वन। शाहिद खान मोज अप टू 13 एंड पायनियर 13 without loss. Look at that, three boundary, one through the extra cover, delightful shot. Second one, switch it over the infield for Squarish third man. And third one was a width given by bowler, beautifully lofted square cut for four. मैं समझता हूँ कि दो गेंदें ऐसी थी जो थोड़ी कमजोर थी, पहली गेंद जो लगभग हाफ वाली बन रही थी, उसके बाद जिस तरह से स्क्वेयर कट थोड़ा लेट खेला गया था,
वो गेंद थोड़ी बाहर थी ऑफ स्टंप के, लेकिन स्विच हिट वाली गेंद जो थी वो गेंद बुरी नहीं थी, शॉट बनाया गया था शाहिद खान द्वारा और पहली गेंद से ही अनसेटल कर दिया है नीलेश जाधव को। नाउ उमर खान ऑन स्ट्राइक फेसिंग नीलेश जाधव, बहुत इस टाइम ब्यूटी ब्यूटी, उमर खान ट्राई टू प्ले क्रॉस द लाइन जस्ट पास द बैट, फाइन कमबैक फ्रॉम नीलेश जाधव। अगड़ी राजा माहौल के कैप्टन आप आ गए हैं तो आपको तुरंत जुड़ जाना है। नीलेश जाधव बहुत दिस टाइम बैट्समैन लुकिंग फॉर अ स्विच हिट वंस मोर बी सीन। उमर खान थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दो गेंदे खेली उन्होंने, दोनों भी डॉट गेंदे, पहले तीन गेंदों पर तीन चौके लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की नीलेश जाधव ने। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति 13 रन बने, बचे हुए चार ओवर में आसिफ बता रहे कि 38 रन और चाहिए, जो आस्किंग रन रेट है वो 9.50। बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है पॉइनियर के पास और खास तौर से उनके जो बल्लेबाज है इस सीजन में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं। और दोनों टीमों के बीच में सबसे बड़ा जो फर्क है वो अनुभव का है। ये अगला मुकाबला आगरी राजा माहौल, एक तरफ कल्पेश वैती और दूसरी तरफ विलास स्पोर्ट्स रहनाल, कप्तान है चिराग माली। मंगेश वैती ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, 45 रन बनाए थे चेस करते हुए। जी हाँ, और कहीं ना कहीं अभी तक के खेल में इसमें मेयर कप 2021 में वो सबसे बेहतरीन पारी मानी जा रही है। अंडर प्रेशर बहुत ही शानदार पारी खेली थी, 20 गेंदों में नाबाद 45 रन, मैच जिताऊ पारी खेली थी मंगेश वैती ने। नहीं, आज अगर हम पोगांव की बात करें तो वारे ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी कासार वरोली के सामने। पहली गेंद उछाल दिया शाहिद ने मैदान के बाहर, 6 रन। कल देर रात उनके सिक्सर आए थे, ये आज पहला आता हुआ। जहां कल ग्रामीण क्रिकेट में बीसीसी के लिए उन्होंने 37 रन बनाए थे, शॉट आर्म पुल किया है एक अच्छी गेंद पर, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये देखिए गुडलेन गेंद थी लेकिन कितना जबरदस्त उनका बल्ला घुमा है, बल्ले का स्विंग बहुत अच्छा था, हालांकि गेंद उतनी उठी नहीं थी। आज एक बात ये पड़गा परिसर के खिलाड़ी ज्यादा खेल रहे हैं, आपने देखा कि राहिल शेख के सामने मोर्चा अक्षय ने खोला था, अब शायद क्योंकि खूबी और खामियां एक दूसरे की दोनों को पता है। और फिलहाल बल्लेबाज हावी है, इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी और रन चुराते हुए बल्लेबाज, दूसरे की कॉल लेकिन मना किया। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 और शाहिद खान 20 पे ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, उमर खान ने अभी खाता नहीं खोला है। लेकिन आज शाहिद खान बहुत ही अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, अच्छी गेंद थी ये, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलना चाहते थे शाहिद खान। मयूर, हालांकि पीटीसी के बहुत बड़े गेंदबाज पकड़े जाते हैं, वही मैं कह रहा था कि पड़गा टेनिस क्रिकेट के बहुत सारे चेहरे एक साथ मैदान में नजर आ रहे। जी हाँ, पड़गा टेनिस क्रिकेट पीटीसी और आमने लोनार्ड परिसर के काफी खिलाड़ी है इस टीम में, कुल 24 में 14 खिलाड़ी पड़गा उसके पीटीसी के। इस मरतबा कट करने की कोशिश, बहुत दूर गेंद गई वाइट, एक रन से स्कोर 21 पे पहुंचा है 21। उमर खान का अभी तक खाता तो नहीं खुला है, दो गेंदे खेली है उन्होंने, लेकिन शाहिद बहुत अच्छा खेल रहे हैं जिस वजह से ज्यादा दबाव नहीं रहेगा उमर खान के ऊपर। मयूर कट करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, रन लेना चाहते थे, बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट थर्डमैन पर योगेश धोंदे की। योगेश धोंदे इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के लेग स्पिन के बहुत ही बड़े जादूगर पकड़े गए हैं, कल देर रात भी उन्होंने गेंदबाजी जरूर की थी। इस मरतबा उमर ने गेंद को हवा में खेल दिया, बढ़िया कोशिश वहां पर, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी। 6
चौका भी दिया। इस तरह के मौके भुनाने पड़ेंगे इस मैच में वापसी करने के लिए बंटी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को। अजित पाड़ेकर फील्डर थे, क्रिस के थोड़ा सा कोने से किया था, हालांकि ओवर पिच गेंद थी लेकिन मिस टाइम शॉट था, हवा में काफ़ी देर रही थी गेंद। और देखिए प्रैक्टिस पिचेस की तरफ वो आ गए थे, जो प्रैक्टिस पिचेस है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है और उस वजह से शायद शरीर का संतुलन ठीक तरह से वो बरकरार नहीं रख पाए थे। आप खाता खुलता हुआ उमर खान का और स्कोर 25 रन, बहुत तेज हवाएं बह रही हैं मैदान पर, शायद उमर खान ने बल्ला बदलना चाहा है। थोड़ा सा किस्मत का साथ मिला है उमर खान को। माहौल गल के कैप्टन, अगर आप आए हो तो आपको तुरंत ही टॉस के लिए पहुंचना है, पहुंच चुके हैं, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी। स्टूडियो टॉस के लिए रेडी रहना है, ओवर समाप्त होते ही टॉस हो जाएगा। विला स्पोर्ट्स रानर और आगरी राजा माहौल दोनों कैप्टन मेरे साथ आ जाए। यस सर, मिस्टर इंडिया। स्कोर कंपैरिजन वर्म दिखाया जा रहा है किस तरह से रन्स बने हैं और काफ़ी आगे इस समय पायनियर स्पोर्ट्स नजर आ रही है। 20 गेंदों में मात्र 26 रनों की आवश्यकता है। बंटी, इस बार दबा, घुटना टेक और सिक्सर देख, क्या शॉट खेला है, बहुत देर के बाद उमर खान के बल्ले से बहुत ही दिलकश स्ट्रोक। उमर खान छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन उच्च कोटि की बल्लेबाजी कर लेते हैं, छोटा पटाका बड़ा धमाका, बहुत ही जबरदस्त स्लॉग स्वीप, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को लपेटा है और अब चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तुम साथ हो तो डरने की बात थोड़ी है, ये थोड़ी बूंदाबांदी है, भरी बरसात थोड़ी है और उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ी सी बूंदाबांदी ही हो और बूंदाबांदी में भी बहुत ही जल्द खत्म हो। ये रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, बूंदाबांदी हो रही है इस वक्त ग्राउंड पर। क्या शॉट खेला है उमर खान ने अपने रंग में आते हुए, पहले 3 डॉट गेंदे खेली और 2 गेंदों पर 10 रन बनाए। मयूर, इस मरतबा निकल के मारने की कोशिश, चॉप किया गेंद को, बल्ले की जड़ से गेंद शॉट कवर्स में, 1 रन, स्कोर आगे सरकता हुआ पायनियर का पहुंचा है 32 रन, 32। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंशी। स्टूडियो आइए, टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। आगरी राजा माहौल, आगरी राजा माहौल चे कैप्टनी टॉस साठी यायचं आहे त्वरित कल्पेश माहुलकर, आणि हे नाणेफेक करण्यासाठी मी विनंती करणार आहे सन्मान्य विनोद मते साहेब यांना। विनोद मते साहेब, आपण नाणेफेकीचा कौलसाठी इथे उपस्थित राहायचं आहे। विला स्पोर्ट्स रानाळ आणि आगरी राजा माहुल, एका बाजूला चिराग माळी, एका बाजूला कल्पेश कडक माहुलकर, तर टॉस करूया मते साहेबांच्या शुभ हस्ते। चापा इज द कॉल अँड इट इज टेल्स। तर विला स्पोर्ट्स रानाळ यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे। चिराग, काय निर्णय घेतलाय? फिल्डिंग करू, आणि या संघासमोर पूर्वी कधी खेळायची संधी मिळाली होती? नाही, फर्स्ट टाइम सामना झाले आणि समोरची टीम सुद्धा चांगली टीम आहे, खासदारची फायनल खेळले म्हणजे टॉप टीमच असेल आणि त्यांना कमीत कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल। बॅटिंग लाईन फार चांगली आहे त्यांची, कल्पेश आहे, मंगेश आहे, भरपूर बॅट्समॅन आहेत त्यांचे। खूप खूप धन्यवाद कल्पेश। तुमच्या संघामध्ये मंगेश, तू आणि सचिन काटकर नेहमी असं बघितलं तर परफॉर्म करणारे असतात, परंतु या स्पर्धेमध्ये तुमच्या टीमची कामगिरी चांगली राहिलेली आहे, तर तुला काय वाटतं की आज सुद्धा तुमचे जे 11 खेळाडू आहेत ते सर्वच्या सर्व चांगलं खेळतील? येस, नक्की सर। प्रथम फलंदाजी तुम्ही करणार आहात आणि खूप वारा आहे मैदानामध्ये आणि आता पावसाची सुद्धा सुरुवात झालेली आहे, अशा वेळेला प्रथम फलंदाजी करत असताना काय पवित्र असणार? आम्ही सर 50 प्लस करायचा प्रयत्न करू। तर खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो, आताच नाणेफेक झालेली आहे आणि विला स्पोर्ट्स रानाळनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलंय, आमंत्रण दिलंय ते आगरी राजा माहुल या संघाला फलंदाजीसाठी। हा सामना थोड्या वेळ नंतर, आताच्या घडीला जाऊया प्रियांशी स्टुडिओकडे। खूप खेळण्याची कोशिश केली वहां पर उमर खान ने और आउट हो गया, आइए देखते हैं
किस तरह से मिस्क्यू था, बल्ले के ऊपर लगी थी, उमर खान ने अंपायर के निर्णय को नहीं देखा और खुद ही निकल गए। बारिश शुरू हो चुकी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। पहले विकेट का पतन अजय कदम को सफलता मिली है, बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है। 17 गेंदे शेष है और जीतने के लिए मात्र 19 रनों की आवश्यकता है पायनियर स्पोर्ट्स को इस मैच में। देखिए लजगिरी आउटफील्ड है, ग्राउंड में तो भी कहीं भी बारिश का वो असर नहीं लग रहा है, लेकिन पिच की तरफ हम देखते हैं तो पिच पर कहीं ना कहीं बारिश की छींटे नजर आ रहे हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए अकबर शेख, बहुत ही पावर बैक हिटर रहे हैं अजय पाटिल, अशफाक पनमेलकर, अल्ताफ बाली, फाद दलवी, अशीर अंसारी वीआईपी डाइस से मैच का मजा लेते हुए। इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, अकबर शेख आउट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई और हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज अजय। पहले दो ओवर के खेल में पूरी तरह से बैकफुट पर थी बंटी स्पोर्ट्स, लेकिन जबरदस्त वापसी कराई अपनी टीम की अजय कदम ने। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको घुमाया उन्होंने ऑन साइड में सीधे फील्डर के पास, बहुत अच्छा कैच डीप में। हैट्रिक का मौका है, अभी तक दो हैट्रिक्स हम देख चुके हैं। पहली हैट्रिक आई देवी वडुनगर टीम के धीरज धुमाले ने ली थी ग्रामीण क्रिकेट में, और ग्रामीण क्रिकेट में ही दूसरी भी हैट्रिक हुई है जो राम पाटिल ने ली प्रथम कुमार चाविंद्रा की ओर से। बहुत सारे दर्शक आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड 19 के गाइडलाइंस को फॉलो करना है, आपको मास्क पहनना है और दूर दूर बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। फाइ का है नए बल्लेबाज, जबकि शाहिद खान सामना कर रहे गेंदबाज अजय का, अजय कदम, और कदम के कदम बहुत सही दिशा में जाते हुए। इस बीच अगेन बहुत खूबसूरत गेंद बल्ले के करीब से निकली, टिप्पा खाने के बाद रफ्तार पकड़ती हुई विकेट कीपर के पास। मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलटता हुआ नजर आ रहा है, और इसी तरह से लगातार आगे भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को। जरा भी ढील यहाँ से गेंदबाज बल्लेबाजों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समीकरण अभी भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 15 गेंदे शेष है, जीतने के लिए मात्र 19 रनों की आवश्यकता है। कमाल का मौसम भी चल रहा है, ठंडी तेज हवाएं बहती हुई, गेंदबाज मुड़ते हुए आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट एंड से, शाहिद खान सामने। इस मरतबा कट करने की कोशिश, फिर से उछाल से बीट हुए, मैच अब मोड़ ले रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो हवा तेज बह रही है इस समय मैदान के ऊपर से, उसके तहत गेंद थोड़ी सी हिल रही है, गेंद को हवा थोड़ी सी बाहर की तरफ धकेल रही है, और उस वजह से शायद थोड़े बीट होते हुए नजर आए हैं। यस एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि गेंद जब टिप्पा खा रही है हवा में आ रही है तो कहीं ना कहीं हल डुल के आ रही है, क्योंकि काफी तेज हवा चल रही है। अजय राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए शाहिद को मारने की कोशिश ऑन साइड पे, लेकिन बेस नहीं गिरी, थ्रो स्टंप्स में लगा। मैंने दोपहर में भी ये चर्चा की थी कि जब से इलेक्ट्रॉनिक बेल्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टंप्स आए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वहां पर भी ये दृश्य कई बार देखने को मिले हैं, कितना तेज थ्रो था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बेल गिरी नहीं। एक बेल का गिरना जरूरी था, तब जाकर अंपायर कहीं ना कहीं तीसरे अंपायर की मदद शायद ले सकते थे। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पॉइनियर का पहुंचा है 33 रन। अब मैच बहुत ही सही मोड़ पे पहुंच चुका है, 13 गेंदे 18 रन, इस ओवर में कितने रन दिए उन्होंने, सिर्फ एक रन और दो विकेट। ये देखिए कितनी तेज हवा, लेकिन ये हवा दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए साजगार है, क्योंकि आप हवा के शॉट, हवा के साथ साथ शॉट भी खेल सकते हैं। कट करने की कोशिश, अधिक उछाल, बीट किया बैट्समैन को, व्हाट अ मैच, ये मैच हवा के साथ बन गया है।
अब दो ओवर में पानियर को चाहिए 18 रन। ये देखिए अधिक उछाल था, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल, जगह नहीं थी वहां पर जिस तरह का शॉट खेलना चाह रहे थे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही अजय कदम की। तूफानी हवाएं चल रही है, तूफान आते हैं तूफान जाते हैं, उन पर किसका काबू है इसे जरूर देख लेना, क्योंकि ये मेयर कप का जादू है। देखिए दर्शक, लेकिन दर्शकों से निवेदन है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। केवल एक रन खर्च किया अजय कदम ने और दो विकेट्स चटकाए, वापसी की है इस मुकाबले में बंटी स्पोर्ट्स ने। मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में, 12 गेंदे शेष है, 18 रनों की आवश्यकता पायनियर स्पोर्ट्स को। ये जो ओवर है ना अजय करत, ये मैच की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। या तो ये भी हो सकता है कि जहां दोनों टीमें खड़ी है वहां आखिरी ओवर में भी रहे। प्रियंशी स्टूडियो, थैंक यू। दोनों टीम से ये गुजारिश है कि मैच को हमको समय पर ख़त्म करना है, बारिश का थोड़ा रिस्क है, हम चाहते हैं कि जस्ट एंड फेयर क्रिकेट हो, प्लीज कोऑपरेट विद अस, थैंक यू। देखिए अभी भी बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से खेल चल रहा है। अंपायर्स बेहतर तरीके से इस चीज को समझते हैं, इसलिए उन्होंने खेल को शुरू रखा है। और हल्की सी जब बूंदाबांदी होती है तो पिच पर जरूर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बॉलर के लिए थोड़ी ज्यादा मदद रहेगी। और फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज, दोनों टीमें कोऑपरेट करें प्लीज। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया अक्षय को, जिन्होंने बल्लेबाजी में जलवे दिखाए, 30 रन बनाए। शाहिद खान सामना कर रहे हैं अक्षय का, राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, शाहिद के लिए खींच के मारा पुल स्ट्रोक, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद, एक रन, 11 गेंदे 17 रन। जबरदस्त मुकाबला, दर्शक दीवाने हो रहे हैं इस समय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, और बारिश धीरे धीरे तेज हो रही है, ये अच्छी न्यूज नहीं है। यस, अब बारिश थोड़ी तेज होती भी। थैंक यू प्रियंशी स्टूडियो। अंपायर्स अंपायर्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने विनंती के लिए सामना थामवायचा है। यस, मैच को रोक दिया गया है जब 11 गेंदों में जीतने के लिए पॉइंटियर को 17 रनों की जरूरत है। शाहिद खान 22 रन बना के नट आउट है, फाइक ने अभी खाता नहीं खोला है। तो ये न्यूज है कि बहुत तेज बारिश, ये आप अपने टीवी मॉनिटर पे देख सकते हैं, तेज बारिश इस वक्त हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर हो रही है और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मैच को रोक लिया है। मुकाबला चल रहा था पॉइंटियर बनाम बंटी स्पोर्ट बोरियोली, बहुत तेज बारिश हो रही है अब, और जो सूचना हमें आई थी बड़गांव उसके परिसर से वो अब सच साबित होती हुई। वो जमा मका की वसते तुझे देखने को तरस गई, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। मौसम ने करवट लिए, लेकिन दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बारिश की वजह से खेल रुका है, लेकिन आप भी रुक जाइए, कहीं भी मत जाइएगा। तब तक के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आता, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सिर्फ अपनी जगह बैठ के रहे प्लीज, कोई भी अंदर नहीं आए।
घूम के मारने की कोशिश, तेज लगा और आउट हो। फाइव प्लेट थ्री डॉट बॉल्स, फुल टॉस, जूजी बट इन द एयर, एज एंड गॉन बट अ मैग्निफिसेंट बॉल। तगड़ा प्रहार लेकिन सीधे फील्डर के पास स्विच हिट के जरिए। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद हवा में, एक और कैच बन सकता है, जी बनी, क्या ये बाहर जाएगी? नहीं, एक और, वो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक रहता था। एक और बढ़िया गेंद इस बार और आउट, किनारा लगा। नए बैट्समैन आए हैं प्रकाश, इस बार जोरदार प्रहार किया है लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही अच्छा कैच, पारी की आखिरी गेंद प्रकाश के लिए, किनारा लगा है और बहुत ही शानदार कैच, बहुत जबरदस्त अंदाज में जीती है। इस मरतबा खराब शॉट हवा में, फील्डर मौजूद। लेकिन गेंदबाजी इस मरतबा बहुत होगी रनबंदी। लाइट ऑन, इस मरतबा फ्लिक किया हवा में। सुरेश भट्ट साहब आणि सुनील पाटील साहब, आपला हार्दिक स्वागत आहे। पहिला चेंडू, पहिलाच बॉल, फुल टॉस, अतिशय सुंदर फटका। थोड्याच वेळात आपण फ्रंट लाइट देखील ऑन झालेले पाहतोय, रात्रीमध्ये पदार्पण करू, इव्हनिंग हरवू शकत नाहीये। असंच हे नाव तुषार शेके ऑन साइडला, ओव्हर द विकेट आलाय, पहिलाच बॉल अखूट टप्प्याचा, विकेटची संधी आणि यस पोचष्कामध्ये या वी फटका सुंदर आहे। ओव्हर द बॉलर हेड मध्ये लॉन्ग ऑन जे फोल्डर आले, चेस होतो त्याच्यासाठी षटकातील। फुल टॉस, शेवटच्या चेंडू वरती झाला प्रहार, मात्र तो देखील मैदानाच्या बाहेर। तिलके नॉन स्ट्राइक पर तेज तर्रार गेंद, एजेंट इस मरतबा टैप किया और आउट गली में सुदर्शन करण को। पहली गेंद बोल्ड, परफेक्ट तैयार, ओवर द विकेट, इन साइड आउट। आठवण करून देतो कोलकात्याचा डॉन क्रॉडी, फुल टॉस बॉल, संधी होती आणि संधीचं केलं सुरज। आपण पाहतो फोगावसाठी खेळताना इथे मिडलिंग, ओव्हर द विकेट आणि अंपायरचा इशारा, हा बीमर आहे, पुन्हा टाकावा लागेल आणि रन आउट, राउंड विकेट आले। फटका अतिशय सुंदर आहे ऑन साइडला, पाहिजे मॅच विनिंग शॉट असेल का? Bye.
चार शॉट हवा के साथ घटा के संग संग लगातार, तो फाइनल मैच में थी ये जाएगी बाहर, लाजवाब शॉट। फुल टॉस इस बार थोड़ा सा मिस हिट है, ये कैच हो सकता है। ओहो बहुत ही बेहतरीन कैच इनटू द अटैक। फर्स्ट बॉल गोस टू शाहिद खान, ट्रेमन वेरी नाइसली गोस टू शाहिद, स्विच इट, व्हाट अ मैग्निफिसेंट शॉट। लेकिन मौका भी दिया इस मरतबा घुटना टेक और बाहुलिया संघाला फलंदाजी हा सामना थोड़ा वे नंतर आता जो घड़ी धीरे-धीरे मैदान में प्रवेश करते हुए मुदस्सिर एक बार फिर से राइट आर्म को द विकेट में फुल टॉस स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, लेकिन मिस टाइम कर बैठे, हवा में गेंद और आउट। कवर किए हैं, उठा के खेल दिया इस बार, दूर गगन की छांव में भेज दिया है, लेकिन मैदान के अंदर ही है। इस बार गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक और अच्छा कैच, कप्तान ने कोई गलती नहीं। अंजुमन स्मिथ के ऊपर इस बार टाइमिंग अच्छी है, बहुत ही सुंदर शॉट डीप फील्ड में, क्रिकेट चलता हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। ओवर द विकेट, इस बार दबा, सब लोग उसे प्रार्थना है कि बाहर आ जाए, कोई भी अंदर नहीं आएगा। इस बीच की गेंद की कोशिश अपील मैदान के अंदर ही है। एक और विकेट, क्या बॉलिंग हो रही है। ओवर द स्टंप जाते हैं, जब आप प्ले डाउन बोल्ड हो गए, बहुत खूबसूरत कट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है स्क्वाडी थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। और देखने इस मरतबा फिर से गेंद को खेल दिया, बहुत ही इस बीच गेंद स्विंग कर दिया गेंद को मिड, इस मरतबा फिर से गेंद को पुल और पावरफुल पॉइंट डिलीवरी। इस मरतबा पीछे गए क्रीज में हुक कर बॉलिंग करनी है, सामने नजर लेकिन पहली गेंद को तारामंडल में भेज दिया है, हालांकि मैदान के अंदर अच्छा कैच। नौ गेंद शेष, सामने फील्डर मौजूद, फिर से जमा के पास मौका। इस ऐसे लग रहा है कि क्रीज में गड़ा हुआ है, इस बार आगे निकले लेकिन ड्रॉप एज, आसान सा कैच, गेंदबाज ने किया लेकिन पारी लड़खड़ा गई। आखिरी गेंद उठा के खेल दिया है, ये भी कैच हो सकता है। फील्डर गेंद के नीचे मुन्ना, कोई गलती एक ख्वाबों का ये टूर्नामेंट कहा जाता है, हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है यहाँ पर खेलना चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। महापौर चषक में चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। खेल रुका हुआ है क्योंकि थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई यहाँ पर, बारिश थोड़ी सी तेज़ हुई थी जिसके चलते खेल रोका गया है। पायनियर स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में आज के दिन का 11वां मुकाबला खेला जा रहा है, और जब खेल रुका था तो स्कोर हुआ था पायनियर स्पोर्ट्स का 34 रन दो विकेटों के नुकसान पर, 11 गेंदे शेष और जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता पायनियर स्पोर्ट्स को। मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में है, लेकिन अभी देखना है कि खेल कितनी देर में शुरू हो पाता है। फिलहाल तो बारिश रुक गई है,
ये देखिए दिन की रोशनी में किस तरह का व्यू नजर आता है भिवंडी शहर का, दिलों को जोड़ने वाला ये शहर और हार्ट ऑफ सिटी का बहुत ही खूबसूरत नजारा। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, बहुत ही ऐतिहासिक और लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड भिवंडी का, गोकुल नगर में स्थित। आज की जो मैचेस हुए हैं उन पर जरा नजर डाल लेते हैं। पहला मुकाबला सुबह खेला गया था रहमानिया स्पोर्ट्स और अंजुमन स्पोर्ट्स के बीच में, जिसको अंजुमन स्पोर्ट्स ने जीता, जूनियर कैटेगरी का मैच था। उसके बाद ग्रामीण में मिला स्पोर्ट्स राहनल टीम ने साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को हराया, वेद इलेवन धानियू टीम को मात दी सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव टीम ने। बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला। 59 रन चेज हुए 5 ओवर में, पोगाव टीम ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, खासतौर पर भावेश वारे ने। उसके बाद नंदकिशोर खारबाव टीम ने कासार वडौली टीम को मात दी थी। प्रथम कुमार चाविंद्रा 40 प्लस के खिलाड़ियों ने रेगुलर के खिलाड़ियों को परास्त किया, अर्थात ललित स्पोर्ट्स लाभ खुर्द टीम को उन्होंने परास्त किया। आज के छठे मैच में एसपी दापोड़े टीम को, सोनादेवी टेमघर को, एसपी दापोड़े टीम को सोनादेवी टेमघर टीम ने परास्त किया। ओपन का मैच था, भिवंडी ओपन का। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है आपकी स्क्रीन पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। आज का सातवां मुकाबला कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली और श्री अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में हुआ था, 40 प्लस का मैच जिसमें कारिवली टीम जीती। आज के आठवें मैच में जय गाउदेवी कोम्बटपाड़ा टीम ने वीएन स्पोर्ट्स गायत्री नगर को परास्त किया और ये भिवंडी ओपन का मैच था। उसके बाद ग्रामीण का मुकाबला हमने देखा, जो सेकेंड राउंड का मैच था विला स्पोर्ट्स राहनाल और सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव के बीच में, विला स्पोर्ट्स राहनाल टीम ने वो मुकाबला जीता। दसवें मैच में ग्रामीण से नंदकिशोर खारबाव टीम ने परास्त किया सेकंड राउंड के मैच में प्रथम कुमार चाविंद्रा टीम को। और ग्यारहवां मुकाबला जो इस समय चल रहा है, खेल रुका हुआ है क्योंकि बारिश हुई है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। बारिश रुक गई है लेकिन पिच कहीं ना कहीं गीली है, उसको सुखाने का काम चल रहा है। ये कुछ झलकियां आज के दिन के खेल की, बहुत ही जबरदस्त कैच देखने को मिला था। आज कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स का दिन रहा है एक तरह से देखा जाए तो, काफी मैचेस में ऑलराउंडर्स मैन ऑफ द मैच बने हैं। हल्की सी शॉट है, पुल कर दिया है गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और बहुत ही अच्छा कैच। चिराग माली का ये लंबा शॉट, अच्छा प्रदर्शन किया था दोपहर के मैच में चिराग माली ने, जब विला स्पोर्ट्स राहनाल टीम ने परास्त किया था साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम को। ये वही मैच है जो आज का दूसरा मुकाबला था साई स्पोर्ट्स खारबाव और विला स्पोर्ट्स राहनाल के बीच में। ये देखिए खारबाव टीम की पारी में बहुत अच्छा सिक्सर देखने को मिला था जो पहले ओवर में लगा था चिराग के विरुद्ध, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने काफ़ी गलतियां की, एक के बाद एक विकेट्स गिरते चले गए और रनों का पीछा करते हुए काफ़ी पिछड़ गई साई स्पोर्ट्स खारबाव टीम। हालांकि टारगेट बड़ा नहीं था, 43 रन मात्र बनाने थे 5 ओवर्स में। और आज के पहले जो दो मैच हमने देखे सुबह के, उसमें सेम स्कोर बना था पहले बैटिंग करने वाली टीम का 42 रन, और डिफेंड करने वाली टीम ही जीती थी। ये सटीक यॉर्कर जो आज के दिन की और मुझे लगता है कि इस मेयर कप की सबसे बेहतरीन गेंद, विला स्पोर्ट्स रानाल टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, दो मैचेस जीते हैं और उनका तीसरे राउंड का मैच भी आज होने वाला है जो कि अगला मुकाबला रहेगा अग्रिराजा माहुल और विला स्पोर्ट्स राहनाल के बीच में। कांटे की टक्कर रहेगी इसमें कोई शंका नहीं,
स्लॉग स्वीप, ये शॉट बहुत ही लोकप्रिय शॉट है कहीं ना कहीं टेनिस बॉल क्रिकेट के खेल में। विश्वनाथ जाधव की ये स्ट्रोक्स है, एक बहुत ही टॉप क्लास ऑलराउंडर माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट विश्व में विश्वनाथ जाधव। अच्छा मनोरंजन किया उन्होंने दर्शकों का, स्कोर भी बहुत अच्छा बनाया था वेद इलेवन धानिव टीम ने, जो आज का तीसरा मैच था सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव टीम के विरुद्ध। ये आखिरी ओवर में कुछ बड़े शॉट्स खेले थे जय विश्वकर्मा ने, शुरुआत में उन्होंने स्ट्रगल किया था लेकिन आखिरी ओवर में दो बड़े हिट लगाए थे सुदर्शन के विरुद्ध। सुदर्शन काफ़ी महंगे साबित हुए इस मैच में, उन्होंने 20 रन खर्च किए थे। अंतिम गेंद पर भी उस पारी में छक्का लगा था जो आसिफ ने जड़ा था सामने, बिल्कुल दर्शकों के बीच में जाकर गिरी थी गेंद स्टैंड्स में, और फिर ये बहुत ही यादगार रनचेस देखने को मिला। हालांकि शुरुआत खराब रही थी पोगाव टीम की भी, ये देखिए त्रिमूर्ति किनारा दे बैठे थे थर्डमैन की तरफ खेलने के चक्कर में, तुषार ने उसके बाद पलटवार करना शुरू कर दिया था, उनको जीवन दान भी मिला था, लेकिन एफर्ट बहुत अच्छा था फील्डर का डीप स्क्वायर लेग पर। सुदर्शन कैच के रूप में आउट हुए थे डीप मिड विकेट पर। तुषार ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए थे, और एक समय लग रहा था कि धानिव टीम आसानी से जीत जाएगी। थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो। तो दोस्तों अच्छी खबर ये है कि खेल शुरू होने जा रहा है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मैदान में जो लोग हैं सब लोग बाहर आ जाए प्लीज, जो ग्राउंड्समैन है और अंपायर है उनको अपना काम करने दें। आप लोग ने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अंपायर से दरख्वास्त करूंगा कि अब आपको मैदान में आ जाना है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मैच एंड द प्रोसीडिंग्स। ग्राउंड स्टाफ को छोड़कर मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा प्लीज बाहर आ जाए। चैलेंज वॉलंटियर्स टीम मेंबर्स ऑल्सो रिक्वेस्टेड, चैलेंजचे जे सभासद आहेत त्यांना सुद्धा नम्र विनंती, आपण सर्वांनी मैदान मोकळं करायचं आहे, फक्त मैदानामध्ये जे ग्राउंड्समॅन आहेत त्यांना आपलं काम करू द्या, आणि पंचांना विनंती आहे की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। आपण बघत आहात महापौर चषक 2021 ब्रॉट टू यू बाय चॅलेंज स्पोर्ट्स, आणि सामना पुढच्या 2 ते 5 मिनिटात आपल्याला जशी सूचना येईल तसा सुरू होईल, परंतु कमिटीचा निर्णय आहे की खेळ होऊ शकतो आणि म्हणून पुढच्या काही मिनिटातच खेळ सुरू होईल, तोपर्यंत परत एकदा जाऊया प्रियांच्या स्टुडिओ मध्ये। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या। तो बेहद रोमांचक जो मुकाबला था सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव और वेद इलेवन धानिव के बीच में, उसके हाइलाइट्स भी हमने देखे। आखिरी गेंद पर 2 रनों की आवश्यकता थी, फील्डर ने फंबल किया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, उसका फायदा उठाया था भावेश वारे ने और मैच जिताऊ पारी खेली थी। उसके बाद का ये मैच नंदकिशोर खारबाव और कासार वडवली के बीच में, कासार वडवली बहुत ज़बरदस्त उनका रेपुटेशन है वैसे देखा जाए तो ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेकिन भिवंडी में कहीं ना कहीं ये टीम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। नंदकिशोर खारबाव टीम ने उनको परास्त किया था। जय पाटिल यानी माइक से संपर्क साधावा, जय पाटिल अपनास नम्र विनंती है माइक से संपर्क साधावा। जय पाटिल आपसे गुजारिश है कि आपको माइक से संपर्क करना है। धन्यवाद। ढेर सारा एक्शन लेकर आता है हमेशा मेयर कप, ये बहुत दूर से खेलने के चक्कर में बल्लेबाज आउट हुए थे। नंदकिशोर खारबाव टीम ने अपने अभियान की शुरुआत बहुत अच्छी की, बड़ी टीम को उन्होंने परास्त किया, लेकिन दूसरे राउंड के मुकाबले में नंदकिशोर खारबाव टीम अपना मुकाबला हार गई, सॉरी नंदकिशोर खारबाव टीम बल्कि जीती है, चुनौती बरकरार है उनकी, माफ कीजिएगा। प्रथम कुमार चाविंद्रा टीम को उन्होंने दूसरे राउंड के मुकाबले में मात दी है। तो आज के दिन का खेल कहीं ना कहीं नंदकिशोर खारबाव टीम के नाम भी कहा जा सकता है, अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। गुरु काफी दिन बाद नजर आए खेलते हुए। प्रथम कुमार चाविंद्रा एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टीम रही, हालांकि 40+ की टीम है लेकिन वो ग्रामीण कैटेगरी में खेली। बारिश यहाँ पे रुक चुकी है और थोड़ी देर में खेल की शुरुआत हो जाएंगी, जैसे भी हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी।
लाभ टीम के जो सलामी बल्लेबाज थे बायत के बल्लेबाज प्रेम जाधव बहुत अच्छे शॉट्स खेले थे उन्होंने ऑन साइड में खासतौर पर कुछ ऊंचे शॉट्स गैप में खेले शानदार प्लेसमेंट और वाकई में जब खेल रुका था तो 11 गेंदों में पानियर को 17 रन चाहिए थे शाहिद खान 22 पे बल्लेबाजी कर रहे थे ये देखिए बहुत खूबसूरत हाइलाइट्स बताए जा रहे हैं ये देखिए राम पाटिल आज कमाल कर दिया उन्होंने 2 मैचेस में 8 विकेटें चटकाई और विकेट टू विकेट गेंदबाजी की उन्होंने दिखाया युवा खिलाड़ियों को कि किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए इस पिच पर पहले मैच में 4 विकेट्स उसमें हैट्रिक भी शामिल थी यस कई दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन भी उनकी मालूमात के लिए कि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपकी खिदमत में मेयर कप 2021 को लाएंगे आज जो बारिश हुई अजय गरत तेज बारिश में कभी सर्द हवाओं में रहा एक तेरा जिक्र था जो मेरी सदाओं में रहा कितने लोगों से मेरे गहरे मरासी में मगर तेरा चेहरा ही फकत मेरी दुआओं में रहा स्टिल इंतजार कीजिए कुछ मिनटों में हम खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं मैच जब रुका था 11 गेंदों में पाइनियर को 17 रन चाहिए थे अजय गरत ऐसा लगता है कि मैच दोबारा जब शुरू होगा तो ये मैच बहुत ही कट टू कट हो सकता है क्योंकि जो तेज हवाएं बह रही थी जिसका फायदा अक्षय ने उठाया था और शुरुआती ओवर में शाहिद खान ने जिस तरह हवा के साथ साथ ऑफ ड्राइव लगाए थे अब देखना है कि हवा रुक चुकी है बारिश भी थम चुकी है दर्शक भी रुके हुए हैं क्योंकि मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है 11 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है खेल थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा ये देखिए मैच विनिंग स्ट्रोक गुरु के बल्ले से देखने को मिला था जब प्रथम कुमार टीम जीती थी उसके बाद आज के दिन का ये छठा मैच जिसके हाइलाइट्स अब आप देख रहे हैं सोनादेवी टेमघर और एसपी दापोड़े के बीच में एसपी दापोड़े टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बहुत जल्दी जल्दी आउट हुए सुनील पाटिल स्लॉग स्विप लगाने के चक्कर में डिप मिड विकेट पर कैच आउट हुए और सोनादेवी टेमघर टीम की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही कप्तान जावेद ने अच्छा स्टार्ट दिया था गेंदबाजी में उसके बाद ये सागर पाटिल का ओवर जिसमें कुछ अच्छे शॉट्स बल्लेबाजों ने लगाए प्रीतेश ने जरूर संघर्ष किया था अच्छी पारी खेली थी लेकिन उनको साथ नहीं मिला था अन्य बल्लेबाजों का आखिरी ओवर में जीत पाटिल ने लंबा छक्का जड़ा था हालांकि बैटिंग टोटल की तरफ जरूर पहुंची थी किसी तरह से एसपी दापोड़े टीम जावेद थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे आतिश भामरे ने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में जावेद का विकेट चटकाया था और ये बहुत ही रोचक बात रही जावेद ने आतिश को आउट किया और आतिश ने जावेद को आउट किया दोनों अपने अपनी टीम के कप्तान दूसरा ओवर भी बहुत अच्छा रहा था उसमें भी कुछ विकेटें गिरी थी लेकिन तीसरे ओवर में पलटवार देखने को मिला खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख द्वारा बहुत ही जबरदस्त स्विच हिट लगाया उसके बाद फुलटॉस पर गेंद को तारामंडल में भेज दिया था उन्होंने ये शानदार छक्का लगाया और एक ही ओवर में 23 रन लूटे थे प्रथमेश ठाकरे के ये शॉट्स दर्शक कभी भी नहीं भूलेंगे ये बैकफुट पंच जो हवा के रास्ते खेला था अल्ताफ शेख ने और ये सिक्सर जिसके साथ मैच फिनिश किया गया था और अब सातवें मैच के हाइलाइट्स पांचवें दिन का खेल मेयर कप 2021 मुकाबला था कृष्णा एंटरप्राइजेस और श्री अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के बीच में 40 प्लस का मैच मैदान मधील सर्व बांधवांना विनंती आहे आता आपण मैदान मोकळं करायचं आहे फक्त खेळाडू आणि पंच राहतील सर्वांना कळकळीची विनंती 40 प्लस के खिलाड़ियों ने दिखाया कि उनके फिटनेस का स्तर कितना अच्छा है सुनील गुलवी तगड़े बल्लेबाज और तगड़े शॉट्स खेले उन्होंने जब टीम संकट में थी तो डेथ ओवर्स में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की ये उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा ठाकुरपाड़ा टीम को और कृष्णा एंटरप्राइजेस कारिवली टीम को वो बहुत अच्छी स्थिति में लेकर चले गए ये देखिए ऑनसाइड को फेवर किया पुल शॉट्स उनके देखने लायक थे गेंदबाज दबाव में नजर आए आखिर के दो ओवर्स में
कारीबली टीम की ओर से, और जवाब में अच्छे शॉट के साथ सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद विकेट्स गिरते चले गए और उस मैच में पिछड़ गई अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम। बायत के गेंदबाज विजय ने अच्छी गेंदबाजी की। ये तो एक तरह से विकेट फेंक दिया गया था, तालमेल की कमी थी, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू में क्या बल्कि अपने दाहिनी तरफ जाकर उन्होंने वो गेंद रोकी थी, और उसके बाद तो अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम पिछड़ती ही चली गई। ये शॉट अच्छा है और ये गेंदबाज में है। आखिर के ओवर्स में जरूर प्रयास किया था बल्लेबाजों ने, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाई। और बहुत ही सटीक थ्रो विकेटकीपर के पास, एक बाउंड्री पर अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम। ये दर्शनीय स्क्वायर कट था। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब भी मुकाबले होते हैं तो क्लासिक शॉट्स काफी सारे देखने को मिलते हैं। टेनिस क्रिकेट का खेल ऐसा है कि ये कम ओवरों का मुकाबले रहते हैं टेनिस क्रिकेट के खेल में, और ज्यादा स्लॉगिंग देखने को मिलती है। ये कैच बहुत अच्छा था, वाइड गेंद पर बल्ला चला बैठे थे बल्लेबाज। तो चैलेंज पर हमेशा चैलेंज रहता है। प्रफुल्ल एक लोकप्रिय खिलाड़ी, जब वो मैदान में आए थे तो दर्शक काफी खुश हुए थे, लेकिन ज्यादा योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए। क्या ये बाहर जाएगी? नहीं, एक और वो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक रहता था, एक और बढ़िया गेंद इस बार, और आउट, किनारा लगा देना जिस बनाए हैं प्रकाश। इस बार जोरदार प्रहार किया है, लेकिन डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है, बहुत ही अच्छा कैच। पर क्या आखिरी गेंद प्रकाश के लिए, किनारा लगा है और बहुत ही शानदार कैच। सभी लोगों से नम्र प्रार्थना है कि अंपायर्स आर ऑन द फील्ड, रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू वेकेट द ग्राउंड प्लीज। सर्वांना नम्र विनंती, पंच मैदानामध्ये आलेले आहेत, अगदी चॅलेंज व्हॉलंटियर्स, तुम्ही केलेल्या कामाबद्दल आम्ही आभारी आहोत, परंतु आता इट्स अ प्ले टाइम आणि म्हणून फलंदाज सुद्धा मैदानामध्ये उतरलेले आहेत, तर आपल्या सर्वांना विनंती आहे मैदान मोकळं करायचं आहे। थँक यू एवरीवन, थँक्स टू बोथ द टीम्स, थँक्स टू पीपल अँड थँक्स टू ऑल द व्हॉलंटियर्स फॉर युअर कोऑपरेशन। वी एक्नॉलेज युअर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। और आइए खेल की शुरुआत में सीधा चलते हैं, बिना कोई मिनट को खराब किए, प्रियांशी स्टूडियो में। तो बहुत ही अच्छी खबर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से कि खेल शुरू होने जा रहा है। मुकाबला जब रोका गया था तो समीकरण था 11 गेंदों में 17 रन, पायनियर स्पोर्ट्स 51 रनों का पीछा कर रही है इस मैच में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। बंटी स्पोर्ट्स की वैसे देखा जाए तो वापसी हो रही है, काफी समय बाद बंटी स्पोर्ट्स एक्शन में है। अगले मैच में जो दो टीमें खेलने वाली है ग्रामीण क्रिकेट से, उनके खिलाड़ियों के लिए विशेष सूचना है, आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको स्टेडियम में ही रुकना है। अग्रिराजा माहुल टीम के खिलाड़ी और विला स्पोर्ट्स रानाल टीम के खिलाड़ी। भावेश ने कमाल का प्रदर्शन किया आज, एक ओवर में 4 विकेट भी चटकाए थे और 8 गेंदों में 19 रनों की शानदार पारी रानाल टीम के लिए खेली थी उस मैच में। सामने टीम थी सुमित एंटरप्राइजेस पोगाव, उसके बाद प्रथम कुमार का मुकाबला नंदकिशोर खारबाव टीम के विरुद्ध। तो आइए अब चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ। क्रीज पर बल्लेबाज है फाइक अंसारी और शाहिद खान। शाहिद खान ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी की है और कहीं ना कहीं अकेले योद्धा की तरह लड़ते हुए नजर आए हैं इस पारी में पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से। पारी की पहली 3 गेंदों पर 3 खूबसूरत चौके लगाए उन्होंने। 22 पर बैटिंग कर रहे शाहिद खान, 10 गेंदों का सामना किया है और फाइक अंसारी का खाता खुलना अभी बाकी है। गेंदबाजी कर रहे हैं मैच के पेनल्टीमेट ओवर में अक्षय पाटिल,
और इस ओवर की पहली गेंद पर सिंगल शाहिद ने लिया था, तो स्ट्राइक फाइक अंसारी के पास है। 11 गेंदे 17 रनों की जरूरत। शायद अक्षय अपने कदम चुके हैं। अक्षय ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है इस मैच में, उनका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा हुआ होगा। 30 रनों की शानदार पारी खेली, उन्हीं की पारी की बदौलत 50 रन बनाए बंटी स्पोर्ट्स ने। पटकी हुई गेंद, जोरदार स्लैश, क्या कमाल का शॉट है, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ब्रेक के बाद बहुत ही दमदार शुरुआत फाइन ईयर स्पोर्ट्स की। फाइक अंसारी का खाता खुलता हुआ चौके की मदद से, और गेंदबाज ने लूजनर से शुरुआत की है ब्रेक के बाद। छोटी गेंद थी, खोटी गेंद, बहुत दिशाहीन भी थी, उसको पनिश करते हुए फाइक अंसारी, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है फाइक अंसारी। अब समीकरण 10 गेंदे शेष, 13 रनों की जरूरत। ओ, ये भी गेंद छोटी थी, लेकिन इस बार फायदा नहीं उठा पाए इस बार, हालांकि उतनी ज्यादा जगह नहीं थी। प्रियंश स्टूडियो में जय पाटिल हमसे जुड़ते हुए आपका स्वागत है। 38 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, मैच काफी रोमांचक स्थिति में है। ग्राउंड्समैन ने जिस तरह का कार्य किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की ओर से। बहुत जल्दी पिच को सुखाया गया। एक और शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, फील्डर मौजूद है लेकिन मिस फील्ड, 2 रन जरूर मिलेंगे। जी हाँ, दूसरे के लिए पलट चुके हैं दोनों भी बल्लेबाज, और आसानी के साथ 2 रन पूरे होते हुए। लगातार गलतियां कर रहे गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंदबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे लग रहा है कि जो ब्रेक हुआ उसका कहीं ना कहीं असर हुआ है गेंदबाज के गेंदबाजी पर, बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो गई, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है जब आप मेयर कप जैसे बड़ी प्रतियोगिता में खेलते हो। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की आवश्यकता है बंटी स्पोर्ट्स को। 8 गेंदे शेष, जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता पाइनियर स्पोर्ट्स को। स्कोर हुआ है 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर अक्षय पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा आगे रखा था ये बेहतर लंबाई वाली गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन पर मयूर पाटिल है, सफाई से फील्ड किया उन्होंने, केवल 1 रन। कश्मकश लगातार बढ़ती हुई इस मैच में, 7 गेंदे बची है, 10 रनों की आवश्यकता। दर्शकों का जबरदस्त सपोर्ट है दोनों भी टीमों को, अच्छे खेल की सराहना करते हैं भिवंडी के दर्शक। जब रायगढ़ टीम यहां पर खेली थी तो रायगढ़ टीम की भी अच्छे खेल की सराहना भिवंडी की जनता ने की थी। जब ठाणे टीम के बैट्समैन आउट हो रहे थे तो उनके लिए भी तालियां बज रही थी रायगढ़ के गेंदबाजों के लिए। सात गेंदे 10 रन, बहुत ही निर्णायक गेंद करने जा रहे हैं शाहिद खान को इस समय अक्षय पाटिल। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, मिड ऑफ ऊपर खड़ा किया गया है शाहिद खान के लिए, थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, और 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। पटकी हुई गेंद थोड़ी धीमी आई, बहुत जल्दी खेल बैठे थे, कोई रन नहीं इस गेंद पर, और ये मैच काफी रोमांचक स्थिति में। आखिरी ओवर में 10 रनों की आवश्यकता पाइनियर स्पोर्ट्स को। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओहो, ये मौका था शाहिद खान के पास, लेकिन जो रफ्तार में थोड़ी सी गिरावट थी उसको वो पहचान नहीं पाए। भूख लगाना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए शाहिद खान। 6 गेंदे 10 रन, इसी तरह के मैच की उम्मीद थी दर्शकों को कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। भिवंडी सिटी क्रिकेट की ये खासियत है, ज़्यादातर मुकाबले रोमांचक होते हैं, और जब टूर्नामेंट मेयर कप होता है तो कुछ ज़्यादा ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अजय कदम के कंधों पर है, और ये सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं इस पारी में अभी तक के खेल में। 1 ओवर में 1 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए हैं, तो ये चुनौती उतनी आसान नहीं है बल्लेबाजों के लिए। हालांकि 2 बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर इस समय क्रीज पर है, शाहिद खान सेट बल्लेबाज है, और फाइक ने भी देखा जाए तो 5 गेंदे खेली है। पार्टनरशिप 9 रनों की, लेकिन धीमी पार्टनरशिप, 10 गेंदों का सामना किया है, जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन फाइक अंसारी का है। अजय कदम मैन फ्रॉम लोनार्ड, बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, उठाकर खेलना चाहते थे,
एलिवेशन नहीं लेकिन गैप में खेलने में कामयाब, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। तालमेल की कमी, रन आउट का मौका, ओहो हो, बाल बाल बच गए शाहिद खान। अक्षय पाटिल स्टंप्स बिखेर नहीं पाए, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला मेरकप 2021 का। यह बहुत ही रोमांचक मैच, बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर डीप वाइडिश मिड विकेट की दिशा में, विजय पारधी थे वहां पर, बाउंस पर थ्रो किया था, विकेट कीपर काफी आगे आए थे, ओहो मौका तो था वहां पर, चांस लेना जरूरी था, थोड़े से दूर थे विकेट कीपर, बैकअप करने के लिए भी वहां पर खिलाड़ी थे तो चांस लेना चाहिए था, लेकिन चांस लिया नहीं और कहीं ना कहीं ये महंगा भी साबित हो सकता है। शाहिद खान कभी भी बड़ा शॉट खेल सकते हैं। 5 गेंदे शेष है, 9 रनों की आवश्यकता, जबरदस्त मुकाबला ये मैच, कभी पायनियर के पक्ष में झुक रहा है तो कभी बंटी स्पोर्ट्स के पक्ष में, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि मैच नेक टू नेक चल रहा है। बैकवर्ड पॉइंट अंदर शॉट, थर्ड मैन शॉट, फाइन लेग, ऑन साइड की फील को कस लिया गया है, फुल टॉस और बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर का, कैच का मौका था, शाहिद किस्मत वाले है लेकिन एफर्ट लाजवाब, कमाल का क्षेत्ररक्षण, 100% कमिटमेंट देते हुए वहां पर फील्डर योगेश कोहली, जी जान लगाकर क्रिकेट खेलते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी। एक ही रन मिला है इस गेंद पर, अच्छे से टाइम किया हुआ शॉट था, आइए देखते फिर से, हालांकि गेंद कमजोर थी, फुल टॉस, शाहिद ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाए, गैप में खेलना चाहते थे लेकिन डीप कवर में ये बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, निश्चित रूप से कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए योगेश कोहली ने। समीकरण बदलता हुआ, 3 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 7 रनों की आवश्यकता, यह आखिरी ओवर अभी तक कहा जा सकता है कि अच्छा साबित हो रहा है। चार गेंदे बल्कि शेष है और 8 रन चाहिए, बढ़िया गेंद, शॉट भी अच्छा है, फंबल हुआ है और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, 2 रन पूरे, स्ट्राइक फाइक अंसारी के पास। ऐसी परिस्थितियों में कई बार बल्लेबाजी कर चुके हैं फाइक अंसारी और अंडर प्रेशर हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी, ऐसा खेल होता है फाइक अंसारी का, हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन बंटी स्पोर्ट्स ने भी कमाल का खेल पेश किया है। अब ये है समीकरण, 3 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता, स्कोर इस समय हुआ है 45 रन, 51 का टारगेट। मयूर पाटिल बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए, अजय कदम बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अच्छे कंट्रोल के साथ, एक कमजोर गेंद जरूर रही है लेकिन अभी तक ओवर अच्छा घट रहा है। 3 गेंदे 6 रन, दर्शक टकटकी लगाकर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, रोंगटे खड़े कर देने वाला यह मुकाबला है, जबरदस्त ये लड़ाई है, ऐसी लड़ाई तो सांप और नेवले के बीच में भी नहीं होती है, जबरदस्त लड़ाई। अजय चले, फाइन खेला है, बेहतरीन फील्डिंग और रन नहीं लिया है, फाइक अंसारी चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास ही रहे, शाहिद खान पर भरोसा नहीं जता रहे हैं, शॉट फाइन लेग पर बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, राम ठाकरे वहां पर, मैन फ्रॉम कोशिंबी, अच्छी गेंद थी ये मिडिल स्टंप की तरफ, थोड़ा सा इंप्रोवाइज तरीके से शॉट फाइन लेग के बगल में से निकालना चाहते थे लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, दबाव दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी हुई है, कमाल का ये मैच, 2 गेंदे 6 रन, मैच यदि टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट है और बॉल आउट भी यदि टाई होता है तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, यह नियम है मेरकप 2021 के, कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत मुश्किल है, गेंदबाज भी जबरदस्त है, बल्लेबाज भी जबरदस्त है और यह मैच भी लाजवाब है। अजय कदम राइट आर्म ऑफ द विकेट, ऊपरी किनारा, विकेट कीपर ने लपक लिया है कैच, शानदार कैच, फाइक अंसारी लौटते हुए पेवेलियन की राह पर और अब इस मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर निकलेगा, 1 गेंद 6 रनों की आवश्यकता पायनियर स्पोर्ट्स को, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, घूमते हुए खेलने का प्रयास, मुश्किल अवसर था लेकिन अक्षय ने कोई गलती नहीं की, पहले गेंद को रोका उन्होंने एक हाथ से, ये देखिए दाहिने हाथ से रोका, दोबारा मौका मिला
और उस मौके को भुनाते हुए अक्षय पाटिल, उसके बाद जश्न, फाइक अंसारी निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए, एक गेंद और 6 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। जिस तरह का क्रिकेट खेला है बंटी स्पोर्ट्स ने, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम लगता ही नहीं है कि ये खिलाड़ी सिटी क्रिकेट से काफी समय तक दूर रहे थे। अक्षय पाटिल के लिए कमाल का मैच साबित हुआ है, अच्छी बैटिंग की उन्होंने और अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हुए। आखिरी गेंद का सामना करने के लिए कप्तान खुद आए हैं, मरता क्या न करता। एक गेंद 6 रनों की आवश्यकता। माजिद बोबड़े, ही इज ऑन स्ट्राइक। जो दर्शक बैठे हुए थे वो खड़े हो गए हैं। नेल बाइटिंग फिनिश, ये जादू है मेयर कप का। महापौर चषक 2021, रोमांचक मैच। फील्डिंग का मुआयना करते हुए माजिद बोबड़े, बायत के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, क्षमता बिल्कुल रखते हैं आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जिताने की। फील्डिंग में शायद परिवर्तन चाहते हैं बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन। समय लिया जा रहा है, समय लिया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में अक्सर समय थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं फील्डिंग करने वाली टीम के कैप्टन। लेकिन समय बहुत निर्णायक है, समय का भी ध्यान रखना होगा बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन को। अजय कदम ने राउंड द विकेट जाने का फैसला लिया है आखिरी गेंद के लिए, क्योंकि बायत के बैट्समैन माजिद बोबड़े उनके सामने है। शाहिद खान नॉन स्ट्राइकर से इन पर। शाहिद ने हालांकि बल्लेबाजी अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली जो 4-5 गेंदें उन्होंने खेली उसमें वो बड़ा शॉट नहीं खेल पाए। एक क्लोज इन फील्डर ऑफ साइड में। आखिरी गेंद 6 रन चाहिए। अच्छी गेंद हवा में खेल दिया है, वन बाउंस और बढ़िया फील्डिंग, और इसके साथ ही ये मुकाबला बंटी स्पोर्ट्स ने जीत लिया है मेयर कप 2021 का सबसे बड़ा उलटफेर। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंटी स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक पायनियर स्पोर्ट्स। कमाल की गेंदबाजी आखिरी ओवर में अजय कदम द्वारा, और कमाल का उनका स्पेल रहा। कुल मिलाकर 3 विकेट्स चटकाए उन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में, और बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी की। रन देने के मामले में भी काफी कंजूस रहे, केवल 5 रन दिए उन्होंने अपने 2 ओवर्स में। गजब का प्रदर्शन, और फिर से बारिश शुरू हो चुकी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। लेकिन यह मुकाबला खत्म हुआ और इस मैच को जीत लिया है बंटी स्पोर्ट्स ने। दोनों टीमें आपस में हस्तांदोलन करती हुई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो। इफ यू कुड लेट मी नो द मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है अजय कदम, 2 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट्स। वैसे देखा जाए तो 2 दावेदार थे, अक्षय पाटिल भी दावेदार थे, उन्होंने भी बढ़िया खेल पेश किया था, फाउंडेशन अच्छा उन्होंने निर्माण किया था अपनी टीम के लिए, जिसकी बुनियाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं रखी थी। 30 रनों की पारी खेली थी, लेकिन प्रेशरस सिचुएशन में जब टीम पिछड़ रही थी कमबैक किया गेंदबाजी में अजय कदम ने, 2 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट्स। वो है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। आइए इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने जा रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स के एक्स प्लेयर और एक पुरखुलुस इंसान जिसने हमेशा बहुत ही प्योर क्रिकेट खेला, जेंटलमैन्स क्रिकेट खेला, ऐसे हमारे लाडले दानिश मद्दू साहब, जिनके नाम पर टेनिस क्रिकेट में 25 ओवर के फॉर्मेट में एक शतक लगाने का बहुमान भी है। आइए दानिश मद्दू साहब, आप इसके हकदार हैं, और मज़ा तभी आता है जब एक खिलाड़ी के द्वारा दूसरे खिलाड़ी को अवार्ड दिया जाए। तो अजय कदम, आपको आना है हमारे साथ। अजय कदम, इफ यू गुड ज्वाइन मी। आइए सबसे पहले तो आपको ये